अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के तमाम स्मार्टफोन की नई प्राइजेज जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में जनवरी 2024 में होने वाली हैं। वीवो का कौन सा स्मार्टफोन अपनी कितनी प्राइस डिक्रीज कर चुका है, प्राइस डिक्रीज करने के बाद इन स्मार्टफोन्स की नई क्या प्राइजेज है, कौन सा वीवो का मॉडल, कौन सा वेरियंट अब आपको किस प्राइस में मिलेगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीवो के सबसे लोएस्ट बॉक्स पैक प्राइस स्मार्टफोन Y02 की। इसे स्मार्टफोन के 3GB 32GB वाले वेरिएंट की लास्ट वीक में प्राइस थी 32,000 रुपए, अराउंड 3,000 रुपए ये स्मार्टफोन प्राइस डिक्रीज कर चुका है। इसके बाद 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद इस स्मार्टफोन की प्राइस 28,500 रुपए बनती है। इस स्मार्टफोन को इस प्राइस में कंसिडर तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर चॉइसेस अब पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं। इससे बेटर स्पेसिफिकेशन इसी प्राइस के साथ आपको प्रोवाइड करी है, आप उन स्मार्टफोन को कंसिडर कीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं वीवो Y60, वीवो Y16 जिसके 4GB 128GB वाले वेरिएंट की इस वक्त प्राइस 3,000 रुपए ड्रॉप हो चुकी है। ये स्मार्टफोन लास्ट वीक में हमें मिलता था 40,000 रुपए का, लेकिन 3,000 रुपए प्राइस ड्रॉप करने के बाद इस वक्त ये स्मार्टफोन आपको 37,000 की प्राइस में मिलता है। आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बात मैं वही कहूंगा कि इससे बेटर चॉइसेस, इससे बेटर ऑप्शन अब पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। इससे बेटर है किसी भी आप इन्फिनिक्स के या फिर रेडमी के इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर लें। इसके बाद बात करते हैं वीवो Y17S। इस स्मार्टफोन के 6GB 128GB वाले वेरियंट की लास्ट वीक में हमें प्राइस मिल रही थी 40,000 रुपए, लेकिन इस वक्त इस स्मार्टफोन की प्राइस 2,000 रुपए डिक्रीज हो चुकी है। आफ्टर 500 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये स्मार्टफोन इस वक्त आपको 37,500 की प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट से ऑफर किया जाता है। अगर आपको कोई अच्छा सा वीवो का स्मार्टफोन बाय करना है तो आपके लिए ये स्मार्टफोन एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। बाकी डिटेल वाइज स्पेसिफिकेशन आप गूगल से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीवो के एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की, जिसका नाम है वीवो Y27S। इस स्मार्टफोन के 8GB 128GB वाले वेरिएंट को पाकिस्तान की मार्केट में 51,000 की प्राइस में रिलीज किया गया था, लेकिन रिलीज करने के साथ ही इस स्मार्टफोन के इस वक्त 3,000 रुपए प्राइस ड्रॉप कर दी गई है, जिसके बाद ये स्मार्टफोन आपको 48,000 की प्राइस रेंज में ऑफर किया जाता है। आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप वीवो लवर हैं और आप वीवो का ही कोई अच्छा सा स्मार्टफोन 50,000 रुपए की प्राइस में कंसिडर करना चाहती हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन आज की डेट में वीवो का V21e यूज कंडीशन में आपको मिल जाएगा। इससे बेटर कैमरा स्पेसिफिकेशन, इससे बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस, इससे बेटर डिस्प्ले आपको वो स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। इससे बेटर डिस्प्ले, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस, बिगर बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग और अच्छा डिस्प्ले वो प्रोवाइड करता है। आप उस स्मार्टफोन को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वीवो Y36, Y36 की, जिसकी भी इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में 5,000 रुपए तक प्राइस डिक्रीज हो चुकी है। ये स्मार्टफोन हमें लास्ट वीक में 63,000 की प्राइस में मिलता था, लेकिन 5,000 रुपए प्राइस डिक्रीज होने के बाद इस वक्त ये स्मार्टफोन आपको 58,000 की प्राइस में ऑफर किया जाता है। आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। वीवो का आज का हमारा आखिरी प्राइस स्मार्टफोन है वीवो V29 5G। वैसे तो इस स्मार्टफोन का और प्राइस का आपस में कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन प्राइस बताने के लिहाज से आपको बताते चलेंगे। इस स्मार्टफोन के 12GB 256GB वाले वेरिएंट की लास्ट वीक में हमने आपको प्राइस बताई थी 1,55,000 रुपए, लेकिन इस वक्त ये स्मार्टफोन अपनी 10,000 रुपए प्राइस डिक्रीज कर चुका है, जिसके बाद ये स्मार्टफोन आपको 1,45,000 रुपए की प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट से ऑफर किया जाता है। अगर आपको ये स्मार्टफोन बेटर लगता है स्पेसिफिकेशन के लिहाज से तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो ये स्मार्टफोन और प्राइस का पहले भी आपको बता चुके हैं कोई भी मैच नहीं है। सो व्यूअर, यही है ऐसे वीवो के स्मार्टफोन जिनकी प्राइजेस अपडेट हुई हैं। आफ्टर प्राइस अपडेट होने के बाद क्या नई प्राइजेस हैं ये भी हमने आज आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस वक्त वीवो का कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं।